हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हम लोग निकले हैं फिर से स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए। नई जगह तो नहीं, वही पुरानी जगह है, बट आज भी अपने दो माइक्स हैं। देखते हैं दोनों हो जाते हैं या एक ही होता है, या देखते हैं जो भी होता है वो आगे मैं बता दूंगा आप लोग को। तो आगे देखते रहिएगा। आज अपन नहा धो के बढ़िया पिंक शर्ट पहन के साबुन अबुन लगा के सेंट वेंट लगा के निकले लिफ्ट मांगने के लिए। अभी देखते हैं कौन सा व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए राजी है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है ना, किसी को पुण्य मिलता है नहीं मिलता है, क्या पता कोई पुण्य ना लेना चाहता हो। तो अभी हम पहले पुण्य बांटेंगे, उसके बाद फिर हंसियां बांटेंगे। ऐसे ही अपना कहीं पुण्य बांटे, कभी हंसी खुशी बांटे, बांटते चले हैं बहन चो रास्ते में। तो देखते हैं भाई किसको क्या मिलता है आज। क्या घोषणी के भाई, तो आज बहुत आसानी से अपने को लिफ्ट मिल गई भाई। ये भाई ने लिफ्ट दे दी बहुत सरलता से, तुरंत हो जाता है। कभी कभी ऐसा करेंगे भाई, उसको दो दो घंटे हो जाते हैं। दो घंटे मैंने ज्यादा बोल दिया अपना भी, तब भी अपन अपनी मंदिर तक पहुंच जाएंगे, तो फिर आगे बात करते हैं। गाइस, एक नंबर की यात्रा हुई। अपना भाई अपने को घर के पास से मिला और एकदम यहाँ तक छोड़ गया जहां तक मैं बस से उतरता था रोज। तो पूरी यात्रा शॉर्टेड ब्रो, हो जाता है कभी कभी ऐसा। एक बार और हुआ था मेरे साथ ऐसा, तब कार वाला था, आज बाइक वाला था, कोई बात नहीं, पहुंच तो गए ना, मजे आ गए यार, मजे ही आ गए। पर मजे के साथ साथ एक चोट भी है कि मैं मतलब जैसे मैं अपना लिफ्ट का समय और अपना बस का समय और अपना पैदल चलने का समय सब कैलकुलेट करके तो मेरे को जिस टाइम पहुंचना होता था मैं उससे एक घंटा पहले निकलता था घर से, और आज वो सब खत्म हो गया। मतलब तुरंत लिफ्ट मिल गई, भाई ने यहाँ तक छोड़ दिया, तो अभी मैं एक घंटा पहले आ गया यहाँ पे। अरे एक घंटा तक मैं क्या करूं, कुछ खा लेता हूँ, भूखा भी हूं ना। देखते हैं भाई, बढ़िया अच्छा ना। गैस, गर्मी और धूप इतनी ज्यादा हो रही है ना कि मतलब बार बार होंठ सूख जा रहे हैं और पूरा बॉडी ऐसे लग रहा है कि डिहाइड्रेट हो रहा है। तो अभी अपन पी रहे गन्ने का जूस। आप लोग भी जूस वगैरह पानी वानी पीते रहे, घर से निकले तो पानी लेके निकले, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा हो रही है, हीट वेव इतनी ज्यादा है कि किसी को सीमा नहीं। इसके बारे में सोचा था बोलने के लिए, बट मैं बोलूंगा तो फिर ठीक है, पर आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाकी तो सरकार अपनी बुरे हाल है भाई। भाई अपना मशीन में गन्ने फेर रहा, फेर देगा तो फिर हमें दे देगा, हम तेल देंगे। तो अपना गन्ने का रस जो है तैयार है, ज्यादा ठंडा नहीं है बट है ठीक है। फूड ब्लॉगिंग गाइस, तो अभी अपने पास समय था तो अपन चले आए इस मॉल में थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। एसी की वजह से अपना एसी से थोड़ा सा प्यार ज्यादा है ना, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, पेड़ों से ज्यादा नहीं है, और पेड़ है भी तो नहीं बार नहीं, कुछ कपड़े वपड़े भी देख लेते, उसको देख लेता हूँ। गाइस, हम लोग जा रहे हैं बस्टिंग के लिए। अभी बाजार पूरा खाली पड़ा है, ना आदमी ना औरत ना इन दोनों की कोई चात। खैर देखते हैं, ढूंढते हैं, रुको बताते हैं, चले ढूंढ ले फिर बताते हैं, पंचायती खेलता रह जाऊंगा मैं। गाइस, ऑडियंस तो हम लोग को मिल गई ठीक ठाक, लगभग 15-16 लोग मिल गए हैं आज तो, 15-16 बस। थोड़ी देर में हम लोग शुरू करने वाले सीन का मजे ही मजे, बस दिक्कत ये है कि सिर्फ लौंडे मिले हैं, हम ढूंढ रहे हैं लौंडिया, मतलब थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए। देखते हैं गाइस, आज तो लौंडा ऑडियंस भी है, आज उन्हीं लोग के साथ बकचोदी करेंगे। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कितने लौंडे हमने इकट्ठे किए हैं। अंधेरा हो गया, आप लोग भी एनडी की प्रिपरेशन करना। तो गाइस, हमारा 5:30 वाला माइक तो हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, 15-20 लोग थे आज तो, मजे ही आ गए। इसकी माँ का मजे ही मजे, आफ्टर लास्ट में रॉक हो गया भाई, आफ्टर लास्ट सबसे अच्छा कॉमेडी क्लब है दिल्ली सर्किट का, ठीक है ना भाई। गाइस, हमारा एक माइक तो सक्सेसफुली पूरा हो गया, अब दूसरे की बारी है, मजे ही आ गया आज तो। हाँ, लिफ्ट भी जल्दी मिल गई थी
ऑडियंस भी जल्दी मिल गई, ज्यादा मिल गई। अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या होता है, तो अपडेट देता हूँ। मरे भैया हमारे साथ गाइस आज तो धुएं उठा दिया हम लोगों ने। दूसरा माइक भी इतनी जल्दी चालू हो गया है आज कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लकी डे होता है कभी कभी, जब सारी चीजें आसान हो जाती हैं, आसानी से लोग मिल जाते हैं। गाइस आज तो धमाकेदार दिन रहा एकदम, 7:30 बजे वाला माइक भी तनादन हो गया, आज तो धुआं ही उठ गया भाई सब। अब बहुत तगड़ा हुआ, पहला ही स्पॉट मेरा था तो मैं अपना करके निकल लिया हूँ, मुझे बाकियों से क्या ही मतलब, मैं तो अपना स्वार्थी आदमी हूँ। तो अपना स्पॉट हो गया है और अब आप निकल रहे हैं घर, तो होप सो दिस इज द एंड ऑफ द ब्लॉग। एंड प्लीज अगर आप लाइक करना चाहें कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें मुझे बता सकते हैं, और बाकी तो आपकी मर्जी है, आप क्या ही करेंगे। ओके बाय, लव यू।